धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हजूरी विच पहुंचे हुए बेटे की अंतम अरदास ते पहुंचे बख बख सारिया ही संस्थावां क्लब जिन्हें भी तुसीं इत्थे पहुंचे हो। एक बार गुरु की फतेह अर्ज करदा, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भरावो 29 मई नूं ऐसा मनहूस दिन चढ़िया सी जिस दे अनुसार ये भाणा वरत गया, पर तुहाडे प्यार ने तुहाडे वल्लों जो हंझू बहाए ने उसने मेरा दुख काफ़ी हद तक घट किया। ये घाटा जे मैं तुहानूं कहां भी मैं आसानी नाल पूरा कर लूँगा जां सहन कर लूँगा तो ये सब कहण दीआं गल्लां तां हो सकदियां है, पर इसनूं मेरा परिवार ही समझ सकदा है अज असीं कित्थों ते कित्थे पहुँच चुके हैं। गुरु साहब दे हुक्म ने गुरबाणी सानूं दसदी है एक उही रस्ता बचा। गुरु साहब तो सेध ले के दशमेश पिता तो सेध ले के कोशिश करूँगा अगली जिंदगी रोड़न दी, अगली जिंदगी शुरू करन दी। सच्चे पातशाह गुरु साहब तां शक्तियां दे मालक सी, संत सिपाही सी, गुरु सी, वह तो इन्नी झल गए, पर मैं इन्नी जोगा दुनिया भी नहीं सी। पर महाराज फिर भी तुहाडा हुक्म सिर मत्थे है, जिंदगी नूं हर हालत में चलती रखांगा, ये तुहाडे नाल वादा करना। जितों तक शुभदीप का सवाल है, वो एक बड़ा सीधा साधा नौजवान जिवें आम पिंड जट्टां जवाक हुंदे है इस तरह का उहदा जीवन सी। भरावो नर्सरी दे विच जदों मैं मानसा विद्या भारती स्कूल दे विच पढ़न लग्या तो मेरा ख्याल उदों मेरे पिंड नूं कोई इत्थों बस भी नहीं जांदी सी। उन्हां समयां दे विच साधना की बड़ी घाट सी, पर फिर भी कदे बसां दे उत्ते कदे अपने स्कूटर ते छड्ड के कदे 2.5 साल का सी 3 साल जो सैकंड क्लास के पढ़ता सी। मैं फायर विभाग के बीरों नौकरी करदा उधरों आगे लग गई, उधरों मैं छड्डन गया हो मैं 20 मिनट लेट हो गया। उस दिन तो मैं कहा पुत्रा जा तू पढ़ेगा जा मैं नौकरी करूँगा। असी छोटा जा साइकिल लेता, तुसी यकीन करो सैकंड क्लास तो साइकिल ते जाना शुरू किया। बच्चे ने प्लस टू तक साइकिल चलाया, डेली 24 किलोमीटर स्कूल जाना, फिर 24 किलोमीटर ट्यूशन ते जाना। इस बच्चे का कण कण मेहनत के नाल भरिया पिया है। किते भी मतलब पैसे दियां तंगियां तुरछियां दे नाल असी बड़ी असी दो भरा हैं, सानू 5-5, 6-6 किले पितापुर की जमीन आउंदी सी। कोई पैसे दी भी कोई आपां कह दईए भी ज़्यादा अमीरां वाली गल नहीं सी, वीरों खिचता तू करके अपना टाइम पास किया। इन्हां हालातों चों मैं बच्चे नूं इत्थों तक लेके आया, कदे जेब खर्च भी इस बच्चे नूं पूरा नहीं मिलिया सी, पर इन्हें अपनी मेहनत सदका प्लस टू की नॉन मेडिकल दे नाल। उस तो बाद ग्रेजुएशन करन वास्ते लुधियाना जी गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया, उपरंत आईलैट्स करके बाहर चला गया। वीरो सारी डिग्री करन उपरंत भी इसने मैनू कदे भी तंग नहीं किया। जिहड़ा भी जेब खर्च माड़े मोटे गाने लिख लैंदा, जदों कोई जेब खर्चा मुकदा इक दा गाणा सेल करता ते आपदा टैलेंट पाया। इस तरह ही बुलंदियां ते पहुँच तक भी इस बच्चे ने कदे भी अपनी जेब दे विच पर्स नहीं रखिया। देखो जदों भी कोई 1000 की लोड़ है 2000 की लोड़ है, पापा दिओ पैसे, पापा दिओ पैसे। मिल इन्नी निम्रता इन्ना प्यार मैं कहना जिन्ना साढ़े हिस्से आया शायद ज़्यादा करन करके जल्दी मुक गया मैं महसूस करदा। ये बच्चा जदों भी घरों निकलता है कदे भी पैरी हाथ लाए तो बिना आग्या लाए तो बिना गड्डी दी सीट ते बैठ भी जाना, माँ माँ कह के बोल मारते रहना जब तक माँ बुक्कल च ना लेंदी, कन्न थले टिक्का ना लाउंदी। कदे घरों नहीं चलिया सी वीर, 29 तरीक पता नहीं किहो जी आई कि माँ पिंड विच मर्ग होई सी किसे दे बैठन चली गई। पर मैं घर विखे सी, मैं कहा भी मैं पुत्र तेरे नाल चलदा,
परंतु कहना तुहाडे कपड़े ठीक नहीं, मैं खेतों आया सी ते तुसी आराम कर लो नहा धो लो। मैं 5 मिनटां जी बस जूस वगैरह पी के वापस आ गया। तो जिहड़ा वो मैं हमेशा परदे दी तरह परछावा बन के बच्चे दे नाल रहा सारी जिंदगी, ते आखिर समय दे उत्ते वीरों मैं भी खुंझ गया ते अज मेरे हथ वो समा नहीं लग रहा। मैनू बार बार पछताउण तो अलावा मेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहा। वीरो तुसी सरकारां दे मालक हो, सारे लीडर साहिबान बचे हो, मेरे पंजाब नूं इस अग चों कढ लो। अज मेरा उजड़िया, कल किसे दा होर ना उजड़े। मेरी तुहाडे सारिआं दे अगे हथ बन के बेनती है कि मैनू हजे तक इह वी नहीं पता वी मेरे बच्चे दा कसूर की सी। कम से कम जे मेरा बच्चा कोई गलती करता है तां अपनी समाजिक रीता पौलांबा उहदे मां बाप नूं दे के आउंदे आ वी भाई तेरे बच्चे ने आह डोलिया बिगाड़िया सब इहनूं कंट्रोल कर ला। मेरे कोले अज तक भी एक भी फोन कॉल जां किसी का कोई अलांबा मेरे कोले अज तक नहीं आया। असीं दोनों जी बैठे, मैं गुरु ग्रंथ साहिब वल हथ करके कहना, मेरा बच्चा मेरे गल लग के रोया भी पापा मैनू एक गल दसो, हर एक चीज़ मेरे नाम नाल क्यों जुड़ जाती है। मैं किसी का भी माड़ा नहीं किया, मैं उतो फिर भी मैं यकीन नहीं किया भी नौजवान बच्चे है। कई बार माँ बाप को नहीं पता होंगे, कोई छोटी मोटी गलती कर जाते हैं। मैं कह मेरे सिर पर हथ रख के सौंखा, आपकी माँ के सिर पर हथ रख के सौंखा, दोनों हाथ ऐ रखा के कहा भी तू कदे भी किसी का कोई फोन कॉल ज किसी चीज़ में बोलवता नहीं है। कहना नहीं है, फिर मैं कहा तेनू डरन की लोड़ नहीं है, अपना परमात्मा से विश्वास है, अपना कोई माड़ा नहीं करता। वीरो जे आपां कोई गलत काम करते हुए तां शैतान बंदा अपनी सौर सुरक्षा करता है। जे मेरा बच्चा कदे किसे किते गलत भी हुंदा तां उह कल्ला गड्डी लैके कदे नहीं आउंदा सी, उह नाल 5-7 गनमैन भी रखदा, चाहे प्राइवेट मुंडे प्राइवेट क्यों ना रखदे सी, क्योंकि सानू कदे खतरा महसूस होया ही नहीं सी। असी छोटी मोटी जिहड़े हालात बिगड़दे कंट्रोवर्सियां चलदियां रहियां उहनां तों असी इन्ने ज़्यादा परेशान सी, पर सोशल मीडिया की कृपा भी इन्नी रही भी छोटी जी गल हुंदी नहीं तो उहनूं वधा चढ़ा के पेश करी जाना। सोशल मीडिया से मेरे बुरे हथ बन के थोड़े बुरे बेनती है, वीरो दुख असी पुत दा जर लांगे, थोड़े नाल वादा करदा गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी असी अपनी जिंदगी किवें ना किवें रोड़न दा हीला कर लांगे, पर मेरे परिवार नूं मेरे पुत दे सिवे नूं उते वख वख खबरां ना बनायो, उहनूं किते कहानियां बना बना के स्टोरियां ना पायो। मैं पुत गुआया है, जदों मैं देखदा मैं फोन नहीं देखा वीरो जिदन की घटना हुई है। मैं जदों पढ़ता मेरा हिरदा बलूंदर जाता है, मेरा बच्चा बेहद संत साध सुभा का बच्चा सी, वो कदे भी किसी का नुकसान करना नहीं चाहता सी, पर उदा अपना हो बैठा है। क्योंकि जे उदे मन दे विच कोई भी पुन पाप हुंदा जां उन्हूं किसी गल तो खतरा हुंदा तां वो अपनी सुरक्षा का होर भी प्रबंध कर सकता सी, वो बुलंदियां ते पहुँच के अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी रख सकता सी। तुसीं खा मखा हरेक चीज़ नूं खबर ना बनाया करो, कदे तुसीं भाई राजे बारे कुछ बोल दिंदे हो, कदे किसे वीरो साडी जिहड़े परिवार ने मदद करी है, जिहड़ा भरा 2 साल तो साडी मदद करदा रहा है, की कसूर हो गया जे असीं उहदा तुसीं नां लै लै के बुरा भला बोल दो। मैनूं बहुत बुरा लगता इस गल तों, वीर बन के सानूं मैं तुहानूं सारिआं नूं क्लीयर कर दिंदा, क्योंकि तुहानूं सारे तुसीं सुणन वाले सारी गल सुनना चाहुंदे हो। सिद्धू दा नूं इलैक्शन 'च कोई नहीं लेके आया, सिद्धू नूं उहदा इलैक्शन लड़ना अपना मन सी। मैं भी रोकिया, भाई राजे ने भी रोकिया उहनूं, भाई तेरे बस की गल नहीं, तेरा बड़ा वधिया फ्यूचर चलता, सानूं तां इक हलका जाणदा ते तूं तां दुनिया ते मशहूर है। उहदा अपना फैसला सी वीरो, ऐवें ना किसे नूं बुरा भरा बोलिया करो। मेरी थोड़े चरणां 'च हथ बन के बेनती है वीरो, पहाड़ जिड्डा दुख है कहना सौखा है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर जिंदगी दे विच बिल्कुल घुप हनेरा होया। पर शायद मैं सोचता हुंदा सी भी बंद एक अद्धा पड़ा हर एक इंसान की जिंदगी दे विच माड़ा हुंदा, चाहे बचपन आ जाए, चाहे बुढ़ापा आ जाए, चाहे जवानी आ जाए। पर मैं एक बदकिस्मत बाप हाँ, मैं बचपन भी माड़ा वेख्या, मैं बुढ़ापा भी माड़ा वेख रहा। चलो फिर भी ये अपने कोई कर्मां दीआं तकदीरां दे, कोई मैथों गऊआं दे वाड़े नूं अग लगी होनी है, कदे कोई पाप होया होना, मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं बेनती करदा भी सच्चे पातशाह जाण बच्चा समझ के होईआं पुल्लां दा परिवार ते हथ रखियो। किसे भी वीर नूं कदे कोई सिद्धू ने वीर बच्चे ने कुछ शब्द माड़ा चंगा बोलता होवे, मेरे परिवार ने कदे किसे नूं बोलता होवे, मैं सारिआं तों हथ जोड़ के माफ़ी मंगदा वीरो।
ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਬਚੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਵੀਰੋ, ਅਣਜਾਣ ਦੁਖੀ ਬਾਪ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।